भालू और भालू की पुत्री जिसका नाम जामवती, तो वो उससे खेलते रहे एक लंगन विचार आया उसके केस मणि से खेलने का क्या मतलब। विचार किया इतने में जब महाराज सतराज राज को पता चला आकर के देखा मेरे भाई को मार दिया और इस मणि को क्योंकि उनने द्वारकाधीश ने कहा था कि इस मणि को हमें दे दो तो शायद इस मणि को वो ही लेकर के चले गए। एक गोविंद के ऊपर झूठा कलंक लग गया। सब राजाओं को उन्होंने बुलाया, बुला करके वहाँ पहुँचे जहाँ पर प्रसैन पड़ा था। देखा तो घोड़ा भी पड़ा है, प्रसैन भी पड़ा है। अब कलंक से बचने के लिए क्या 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 जब वहां से देखा तो एक सिंह के पैर बने बने। राजाओं ने कहा महाराज लगता है कि इसके ऊपर किसी सिंह ने आकर के आक्रमण किया। दूसरी तरफ देखा तो एक भालू के पैरों के चिन्ह बने। भगवान ने कहा सिंह ने आक्रमण तो किया लेकिन सिंह मणि तो नहीं ले जा सका, मणि कहाँ चली गई। कहा महाराज ये भालू के भी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो कहा चलो चल करके देखते हैं। सब राजा और महाराज स्वयं द्वारकाधीश उस भालू के चिन्हों के लेते लेते वहां पहुंच गए। एक पहाड़ के ऊपर गुफा में वहाँ जाम जाम जी रहे थे। भगवान ने जाके आवाज लगाई उधर से जाम जाम जी निकल करके आए। जाम जाम जी से भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास सतराज की मणि है। जामवंती ने कहा कि बताओ अगर है भी तो क्या बात। उन्होंने कहा उस मणि को तुम हमें दे दो, हमारे ऊपर झूठा कलंक लग रहा है। उसने कहा हम नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि मणि तो हम लेकर के जाएंगे। बार बार मना कहा तो जामवंत बोले कि अगर तुम्हें मणि लेना है तो बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, युद्ध हमसे करना पड़ेगा। भगवान बोले तो हम तैयार हैं युद्ध के लिए। द्वारकाधीश और जामवंती से युद्ध हुआ और एक दिन दो दिन नहीं 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। और जामवंती जी थकित हो गए। जामवंती जी समझ गए कि लगता है कि भगवान ने कहा था कि इस त्रेता में तो नहीं, जब हम द्वापर में आएंगे तो तुम्हारी मन की कामना भी हम पूर्ण कर देंगे। शायद वही ये द्वारकाधीश बन कर के आ गया। प्रणाम किया महाराज, मैं समझ नहीं पाया और आप वही राम हैं। मैंने जब आपसे कहा था कि मेरे मन में बस एक कामना रह गई कि मैंने किसी से युद्ध नहीं कर पाया, मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं था इस रामदल में। उधर से भगवान ने कहा तुमने ठीक पहचान ली। उसने कहा महाराज ये मणि और ये मेरी जो पुत्री है, मैं पुत्री का हाथ आपके हाथ में देता हूँ। और जामवंती जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। महाराज से भी आप स्वीकार कर लो और मेरी जो मन की कामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भगवान का दूसरा विवाह है ये जामवंती जी की पुत्री जामवंती के साथ साथ। अब मणि मणि लेकर के भगवान और आए उस मणि को सतराज को दे दिया। भगवान को कलंक क्यों लगा? तो भागवत में लिखा है कि चौथ का चंद्रमा का जो दर्शन कर लेता है उसे कलंक प्राप्त होता है। और भगवान ने चौथ का चंद्रमा देखने का कलंक उनके ऊपर लग गया। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ और तीसरा विवाह है। एक बार भगवान
तीसरा जो विवाह भगवान का हुआ वो सतभामा के साथ साथ और भगवान का तीसरा विवाह होने के बाद एक बार यमुना के किनारे भगवान घूम रहे थे और एक स्त्री बैठी थी, एक कन्या बैठी हुई थी, जाकर के अर्जुन साथ में थे। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम यमुना है। अच्छा, आप यहाँ इन निर्जन वन में यमुना के किनारे आप अकेली क्यों बैठी हो? उसने कहा मैं रात रात तपस्या कर रही हूँ, पति रूप में उस कृष्ण को, गोविंद को, द्वारकाधीश को चाहती हूँ। अच्छा, कहा मैं सूर की पुत्री हूँ और यमराज की मैं बहन हूँ, मेरा नाम यमुना है। तो अर्जुन ने कह दिया कि द्वारकाधीश वो कृष्ण तो हमारे साथ हैं। ठीक है महाराज, तो तीसरा विवाह है भगवान का। चौथा विवाह है भगवान का कालिंदी के साथ हुआ और पांचवा विवाह है भगवान का नंदिनी के साथ। छठवा विवाह है नंदिनी, सातवा विवाह भद्रा के साथ और आठवा विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ये आठ विवाह भगवान ने किए। अब आठ विवाह, आठ तो पटरानी भगवान के द्वारकाधीश की हो गई। धीरे 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 समय निकला। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो पृथ्वी से पैदा हुआ था और उसने तपस्या करके वह इतना बलवान हो गया, इतने उसको वरदान मिल गए कि उसको हराना किसी के बस की बात नहीं थी। जिन राजाओं के ऊपर जाकर के वो चढ़ाई करता है वो राजा उससे परास्त हो जाता है और बस चढ़ाई करके उस राजा की राजकुमारी को लेकर के आता। संकल्प कर लिया उसने कि जब हमारे यहाँ 20,000 राजाओं की पुत्री, राजाओं की कन्या जब इकट्ठी हो जाएंगी तब हम एक साथ विवाह करेंगे। और राजाओं को जीत जीत करके वो कन्याओं को इकट्ठा करते करते उसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर दिया। और उसके मन में बस विचार एक ही रहा कि जब 20,000 कन्या राजाओं की कन्या इकट्ठी हो जाएंगी तब 20,000 कन्याओं के साथ हम विवाह करेंगे। 16,100 कन्या उसने बंदी गृह में बंद कर दी। अब वो सब बंदी गृह में बंद होते भगवान को याद करने लगे कि भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। हम 16,100 कन्याओं को इस भौमासुर दैत्य ने बंदी बना लिया और उसका विचार है कि जब 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हम एक साथ विवाह करेंगे, गोविंद रक्षा करो। बार बार जब भगवान को याद किया आज भगवान वहां से चल करके उस भौमासुर दैत्य को ढूंढ करके उसके पास पहुंच गए। दैत्य ने 16,100 राजाओं को जीत लिया। भगवान ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, इन कन्याओं को बंदी गृह में बंद किया है, इन्हें सबको छोड़ो। भौमासुर दैत्य बोला मैंने छोड़ने के लिए बंद नहीं किया है, मेरा विचार है जब 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। तुम कौन होते हो? द्वारकाधीश ने कहा कि नहीं नहीं, ए पाप, ए अन्याय हम नहीं होने देंगे, इनको सबको आजाद करो। तो भौमासुर दैत्य ने कहा कि मैं ऐसे आजाद नहीं करता, मैंने 16,100 राजाओं को ऊपर मैंने विजय प्राप्त की। भगवान बोले कि तो फिर इनको अगर तुम बंदी गृह से मुक्त नहीं करते हो तो हम जाकर के कर देंगे। भौमासुर ने कहा काम भी नहीं कर सकते, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले युद्ध करना पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है युद्ध करते हैं। और भौमासुर दैत्य से द्वारकाधीश भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में भौमासुर दैत्य मारा गया। जब भौमासुर दैत्य मारा गया भगवान ने जाकर के उन कन्याओं को सबको मुक्त किया। सभी ने हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम किया द्वारकाधीश के सामने।
बड़ी कृपा की। अब आप हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा कृपा तो हमने कर दी, अब तुम यहाँ से निकल करके अपने अपने पिताओं के घर जाओ, अपने अपने राज्य में जाओ। तुम आज से मुक्त हो। उन सब राजकुमारी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इस भौमासुर दैत ने जब से हमें बंद किया है, अब हम लौट करके पिता के घर कैसे जाएं? भगवान बोले, बताओ क्यों नहीं जा सकते हैं? उन्होंने कहा, बंदी गृह में जब से बंद हैं, हमारे ऊपर ये दोष लग गया, और जब हमारे ऊपर दोष लग गया तो किस राजा का राजकुमार हमारा स्वीकार करेगा? महाराज अब हम नहीं जा सकते। भगवान बोले, तो बताओ क्या करें? सबने प्रार्थना की, महाराज आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान बोले, बताओ हम क्या करें? महाराज पत्नी रूप में आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो 16,100 भगवान ने एक साथ पत्नी रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। चलो जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, और भगवान लेकर के द्वारका पहुंच गए। 16,108 महल बनवा दिए अपने अपने महल है सब। पत्नी रह रही है, और वहां जाकर के भगवान ने अब सुंदर वहां का प्रशासन चल रहा है। एक बार क्या हुआ? भगवान ने मन में विचार किया कि रुक्मणी आज इतना समय हो गया, इनके यहाँ 5 पुत्र भी हो गए, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर कभी मैंने क्रोध नहीं देखा। रुक्मणी बामंग में बैठे हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे रुक्मणी बैठी हैं, और भगवान ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। कब? जब 5 पुत्र हो गए रुक्मणी के, तब भगवान रुक्मणी से कह रहे हैं, रुक्मणी एक बात बताओ कि तुमने क्या सोचकर मेरे साथ विवाह कर लिया? बिचारी रुक्मणी शांत मन से बैठे स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही जवाब देते हैं। क्या तुमने सोच करके मुझे पत्र लिखा? अगर तुम सोचती थी कि कोई राजा है तो तुम्हें पता नहीं हम राजा कैसे बने। जब मथुरा में आकर के जरासंध ने चढ़ाई करी, वहां से हम भागे, तो युद्ध भी हमने जीत पाए और भाग करके हमने समुद्र में छुप गए। यहाँ आकर के द्वारका का निर्माण किया और हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहीं के राजा भी नहीं हैं। रुक्मणी शांत है। दूसरा प्रश्न किया भगवान ने कि अगर तुमने सोच करके तुमने हमारे साथ विवाह किया कि हमारा खानदान बहुत अच्छा है, तो खानदान भी हमारा देख लो। कोई कहता है कि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, कोई कहता है कि यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं, हमारे खानदान का भी कोई ठिकाना नहीं, तो खानदान भी हमारा अच्छा नहीं। अगर तुम बचपन की बात करो तो घर घर में माखन की चोरी करते हम डोले, हर घर से माखन की चोरी करी, तो बचपन हमारा ऐसा रहा, ना हमारे पिता का पता, ना माँ का पता, ना हमारा कुल ठीक है, ना खानदान ठीक है। अगर तुमने हमारे साथ शादी ये सोच के कर लियो कि हम बहुत सुंदर हैं, तो हमारा तो नाम ही कन्हुआ है, सब लोग हमें कन्हुआ कन्हुआ कहते हैं, तो हमारा नाम भी अच्छा नहीं, फिर तुमने क्या सोचकर हमारे साथ विवाह कर लिया? रुक्मणी शांत बैठी द्वारकाधीश प्रश्नों पर प्रश्न करते जा रहे हैं कि तुमने क्या समझ करके हमारे साथ विवाह किया? रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते कहते भगवान यहाँ तक बढ़ गए। कृष्ण ने कन्हैया ने कह दिया कि रुक्मणी और अभी भी कुछ नहीं मिला, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा फिर शिशुपाल के साथ विवाह करा।
अब जब जैसे कहा तो तुरंत रुक्मणी उस सिंहासन से लुढ़क करके नीचे गिर गई। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मणी को उठा लिया, अपनी गोदी में रख लिया और दो हाथों से पंखा जला रहे हैं। रुक्मणी को जब चेतन अवस्था में आई, होश आया, रुक्मणी ने हाथ जोड़ जोड़ के भगवान ने कहा कि रुक्मणी हमने ये थोड़ी सोचा, हमने ये नहीं सोचा था कि तुम मूर्छित हो जाओगी। हम तो यह सोच रहे थे कि जब से तुम्हारे साथ हमारा विवाह हुआ, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी हमने क्रोध नहीं देखा। हम तुम्हारे चेहरे पर क्रोध देखना चाहते थे, तुम तो मूर्छा में चली गई। रुक्मणी ने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, गोविंद जो आप कह रहे थे वो सब हमें पता है। तुम्हारे माँ बाप कौन है? संसार के माता पिता तुम हो। तुम्हारे माँ बाप कौन हो सकते? और रुक्मणी बोली, आप खानदान की बात करते हो तो जगत के माता पिता आप हो, अगर रूप की बात करते हो तो महाराज हम क्या कहें आपसे? कन्हैया बोले, नहीं नहीं भी बताओ क्या बात है। तो बोले, महाराज जब आप काले हो तो कमाल कर रहे, और कहीं गोरे हो तो जो कहूं लाला तुम होते लली तो गले कट जाते हजार। तुम जब गोरे हो तभी तो कमाल कर रहे हो, सारा संसार तुम्हारे ऊपर रीझ रहा है। अगर कहीं तुम गोरे होते हो तो फिर क्या होता? भगवान समझ गए कि रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध आने वाला नहीं। अब भगवान ने और आगे की लीलाओं को संपन्न किया। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, नारद जी के मन में विचार आया कि आज व्यक्ति पति पत्नी दोनों रहते हैं फिर भी परेशान है, और द्वारकाधीश 16,000 के 108 विवाह है और उसके बाद भी इनके यहाँ कोई झगड़ा झंझट नहीं। चलो आज चल करके देखते हैं संत नारद जी का पदार्पण आज द्वारका के लिए हुआ। हाथ में वीणा है, बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण Oh, yeah.
कीर्तन करते करते आज द्वारका में प्रवेश किया। तो भगवान सबसे पहले जाकर के भगवान के पास नहीं गए, रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। जैसे रुक्मणी जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करते भगवान ने कहा सौभाग्यवती भव, प्रसन्न रहो। भगवान रुक्मणी के नारद जी रुक्मणी के महल में बैठ करके नारद जी ने रुक्मणी से कहा कि बताओ तो द्वारकाधीश कहाँ है। रुक्मणी बोली महाराज अभी बस भोजन करके और विश्राम भवन में विश्राम कर रहे हैं, अभी केवल 5 मिनट हुए हैं, आप कहो तो मैं जा करके उन्हें जगा दूं। नारद जी ने कहा ना सोने दो, रुक्मणी का महल छोड़ा, अब हम चलते हैं। रुक्मणी ने कहा महाराज भोजन प्रसादे आप भी पालो। कहा नहीं। नारद जी के मन में विचार आया कि जो भगवान रुक्मणी के महल में हैं तो सब महल खाली होंगे, सतवामा के महल में पहुंच गए। सतवामा के महल पहुंचे, सतवामा ने महाराज प्रणाम करते हो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। सतवामा से नारद जी ने कहा कि बताओ और द्वारकाधीश कहाँ पर। कहा महाराज द्वारकाधीश अंदर हैं, आप कहो तो मैं बुला करके लाऊं। क्या कर रहे हैं? तो सतवामा ने कहा कि जो छोटे छोटे बालक हैं और उस चौक में उन बालकों को खेल में वो भी साथ में खेल रहे हैं, छह वहां से भी नारद जी निकले। सतवामा के महल में बच्चों को खिला रहे हैं, रुक्मणी के महल में विश्राम कर रहे हैं, फिर जाकर लक्ष्मणी लक्ष्मणा के महल में, सब रानियों के महल में गए तो भगवान कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। भगवान समझ गए, नारद जी समझ गए कि भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, सर्व व्यापी है, ये कोई साधारण नहीं है। जिस महल में हम जाते हैं उसी महल में भगवान है। भगवान समझ गए कि यहाँ हमारी अब चलने वाली नहीं है। भगवान लड़ लड़ के आए और जैसे निकलने लगे तो द्वारकाधीश ने आकर के महाराज कहाँ के लिए जा रहे हो, लौट लौट के देखा रहे महाराज चलिए भोजन प्रसाद कर ले। अब नारद जी ने विचार किया कि अब बहाना क्या बना कि किस लिए आए आए थे। नारद जी सोच रहे थे कि किसी महल में जब हम जा करके पहुंचेंगे तो हम जा करके दूसरी रानियों से कह देंगे कि द्वारकाधीश तो उनके महल में है, उस रानी को विशेष प्रेम करते हैं, आप तो नहीं चाहते, लेकिन हर महल में द्वारकाधीश ही सही। तो वो तो परमात्मा है, सर्वंतर्यामी। कौन सा ऐसा घर है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वह परमात्मा ना हो, हर जगह भगवान है। ठीक। नारद जी भगवान अपने चरित्र का क्या आश्चर्य करें। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा कि महाराज गोपाल हम एक संदेशा लेकर के आए, बताओ महाराज क्या है। उन्होंने कहा कि आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बना ली जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ को और वही इंद्रप्रस्थ है जिसको हम और आप दिल्ली कहते हैं, दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ है, वहां वो रह रहे हैं। बताओ क्या होना है। कहा महाराज वहां पर पांडव राजा यज्ञ करना चाहते थे, तो उस यज्ञ में आप आमंत्रित हैं, आपको चलना पड़ेगा, तभी वो यज्ञ की पूर्णता होगी। कहा तो ठीक है। भगवान इंद्रप्रस्थ आए, वहां पांडव यज्ञ करना चाह रहे थे, पांडवों ने प्रणाम किया, महाराज हमारा यज्ञ करने का विचार है, बताओ। भगवान ने द्वारकाधीश ने कहा कि तुम राजसी यज्ञ कर रहे हो तो तुमने सब राजाओं पर विजय कर ली, सभी राजा तुम्हारे पक्ष में हैं,
सभी पांडवों ने कहा महाराज सब राजा पक्ष में हैं, केवल एक मगध देश का राजा है जिसका नाम है जरासंध, जो कंस का ससुर है, अस्थि प्राप्ति का पिता है, उसको हमने युद्ध में नहीं जीत पाया। भगवान बोले उस जरासंध के वजह से तो हम द्वारका में जाके द्वारका समुद्र में रह रहे हैं। फिर तुम कैसे यज्ञ करोगे जब सब राजाओं पर विजय हो जाए तब तुम राजसी यज्ञ कर सकते हो? कहा महाराज जरासंध को हमने नहीं जीत पाया। भगवान बोले ठीक ठीक चिंता मत करो, भीमसेन को साथ में लिया, अर्जुन को साथ में लिया और स्वयं द्वारकाधीश ब्राह्मण का रूप धारण करके मगध देश में पहुंच गए। तीनों ब्राह्मण ने द्वारकाधीश भीमसेन और अर्जुन, अब जैसे मगध देश के राजा ने देखा करे तीन ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आए, प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता हम प्रणाम करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों की ही कृपा से जरासंध ने भगवान के ऊपर विजय प्राप्त की। 17 बार जब जरासंध हारा तब ब्राह्मणों को आगे कर दिया और ब्राह्मणों के ही वजह से भगवान रण छोड़ करके चले गए। क्यों विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उस भगवान ने जन्म ही ब्राह्मणों के प्रति, गौओं के प्रति और देवताओं के प्रति ही जन्म लेकर के धरा धाम धराए। भगवान वहां जाकर उसने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा प्रसन्न रहो, तो उसने जरासंध ने कहा महाराज बताओ ब्राह्मण देवता आपकी क्या सेवा करें? भगवान ने कहा बस सेवा क्या चाहिए? कोई सेवा नहीं, हम तो बस ऐसे ब्राह्मण हैं, भ्रमण करते करते जा रहे थे। हमें पता लगा कि जरासंध जो मगध देश का राजा है बहुत पराक्रमी है। कहा गया महाराज सब आप ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद है जिससे मैंने उस गोविंद के ऊपर विजय प्राप्त की है। और महाराज यहाँ तक मथुरा छोड़ करके ही भाग गया। अच्छा भगवान स्वयं बात कर रहा है, ठीक ठीक भोजन कराया, बताओ महाराज अब आपको क्या चाहिए, दक्षिणा में आपको क्या दूं? कृष्ण बोले कि दक्षिणा में जो हम मांगेंगे सो मिलेगा। कहा कि महाराज जो मांगो, तो भगवान ने कह दिया कि दक्षिणा में अगर तुम देना चाहते हो तो दक्षिणा तुम हमें ये दे दो कि तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा कि हमसे युद्ध करना पड़ेगा, जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण तो कभी युद्ध की बात करते नहीं, तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। कहा तुम कौन हो? भगवान ने कहा क्यों? जरासंध बोला कि तुम ब्राह्मण अगर होते तो युद्ध की बात ब्राह्मण नहीं करते, तुम युद्ध की बात कर रहे हो। तो भगवान ने कहा मैं वही कृष्ण हूं जिसको तुमने मथुरा से विजयी होकर के आए थे, मैं भाग भाग के चला गया था, मैं कृष्ण। ये कौन है? कहा ये अर्जुन है और इनका नाम भीम है। युद्ध करना चाहते हो? कहा कि हां। और युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध तो बहुत बलवान राजा था और एक जरा नाम की राक्षसी थी उसके द्वारा इसको वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये दो भागों में इसने जन्म लिया, जरा नाम की राक्षसी ने उन्हें दोनों को जोड़ दिया, इससे उसका नाम जरा के नाम से जरासंध पड़ गया। भीम से युद्ध हुआ, भीम ने बार बार उसे मारने की जब उसको समाप्त कर दे और उसके दो फका करके फेंके, एक इधर एक इधर, थोड़ी देर बाद वो लौट लौट के आ जाए, दोनों जुड़ जाए, क्योंकि उसको तो वरदान था। भाई परेशान हो गए, जरासंध भगवान के चरणों में गिर पड़े। भीमसेन ने कहा कि मेरी बस की बात नहीं, कहां तक मैं युद्ध करूं?
जब ये मर ही नहीं सकता तो अब क्या मतलब कैसे युद्ध करें। भगवान ने तुरंत इशारा कर दिया इसके दो भाग करके एक भाग इधर को फेंक दो, एक भाग उल्टा इधर फेंक दो, जब दोनों भाग ऐसे आएंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे। और भगवान ने जब इशारा किया तो जरासंध का उद्धार समाप्त कर दिया। अब भगवान ने फिर राजसी यज्ञ की तैयारी की और लौट के भगवान आए। वहां आगे सब इंद्रप्रस्थ में आकर के यज्ञ की तैयारी हो रही, शुभारंभ किया। यज्ञ जब शुरू हो रहा था राजसी यज्ञ तो एक प्रश्न उठा कि सभी जितने पांडव हैं सभी को एक एक काम दे दिया जाए, अपना अपना काम सभी लोग संभालेंगे और उस यज्ञ में शिष्यपाल भी आया। शिष्यपाल ने भगवान को बहुत गाली दी थी लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम 100 गाली दे देना, जब 100 गाली पूर्ण हो जाएंगी, 101 गाली दोगे तब तुम्हारा अंत होगा, 100 गाली में कुछ नहीं होगा। और भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है, 99 गाली उसकी पूर्ण हो गई, सब सब चर्चा होने लगी। ये प्रसंग नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं तो कहा कि यज्ञ में सहयोगी सबको करना चाहिए। तो यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन होता है? यज्ञ जब होता है तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है भंडार का। कहा तो भंडार का काम किसको दे दिया जाए? तो कहा भंडार का काम दुर्योधन को दे दो। दुर्योधन को भंडार का काम सौंप दिया और भगवान बोले कि इसलिए इसको भंडार का काम सौंप दो कि तुम्हारा दुश्मन है, विरोधी है, तो कम से कम ज्यादा भंडारे में लुटाएगा और भोजन कराएगा। अरे द्वेष करके लुटाएगा तो तुम्हारा तो भंडार कम से कम खाली हो, इसलिए इसको दुर्योधन को दे दिया। दूसरा भोजन भंडार जो अंदर व्यवस्था वहां किसकी हो तो वह व्यवस्था भीम को दे दे, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है वो उसे कराने का भी शौक होता है, उसे पता है कि मैं इतना भोजन करता हूँ तो भोजन भी अच्छी तरह से सबको कराता है, उसको दे दे। अब द्रौपदी जी को जो अतिथि घर में आए उन्हें भोजन परोसने का काम उन्हें दे दिया। अब भगवान कृष्ण बोले कि कुछ सेवा हमें भी तो दो। सबको सब काम बट गए यज्ञ के लिए। भगवान ने कहा कि मेरे लिए क्या काम है? सब लोगों ने कहा कि बताओ। तो भगवान ने पता क्या सेवा ली? भगवान ने कहा जितने अतिथि आएंगे साधु ब्राह्मण संत मैं उनके चरणों को धो करके फिर अंदर जाने आऊंगा, ये काम मुझे दे दे और हमारो आपको सबको इसी से दिक्कत है। भगवान स्वयं द्वारकाधीश कहते हैं कि जितने संत महात्मा अतिथि आएंगे उनकी चरण धोने की सेवा इस यज्ञ में मेरी रहेगी, ये भगवान ने। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिससे सब डरते हैं, जिसमें अपनी बेइज्जती समझते हैं वह काम भगवान ने आज अपने हाथों में लिया। राजसी यज्ञ पूरा हुआ, संपन्न हुआ और भगवान ने सोचा, अब विचार किया कि अब क्या करना है। पांडवों को आशीर्वाद देकर के द्वारकाधीश फिर अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अब भगवान की आगे की जो कथा है, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस है, ऐसा लिखा है भागवत में कि जिन लोगों ने 6 दिन, वैसे तो कथा का रोज श्रवण करना चाहिए, रोज आना चाहिए,
लेकिन ऐसा लिखा है कि जो छह दिन कथा नहीं सुन पाए, अगर सातवें दिन वो आकर के सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो कथा का पूर्ण फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। तो आज विश्राम दिवस की कथा है भगवान के बचपन के एक परम भक्त जिनका नाम श्री दामा। तो आइए सभी थोड़ी सी चीज भगवान जय जय ठाकुर जी के साथ गुरु के स्वागत। अरे गलती जा कुंज जो है Yeah, 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 y